रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह। सात आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह के साए के सिवा जब कोई साया नहीं होगा तो अल्लाह खुसूसी तौर पर उनको मैदान हशर में अपने साए में जगह देगा। इमाम आदिल, ऐसा हाकिम जो अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत करे, जो कि मार्केट में शार्ट, ये तमाम वो लोग होंगे जो मार्केट में शार्ट होंगे, ठीक है ना। जो सात अफराद हैं ना, ये सब वो हैं जो मार्केट, क्योंकि कलीलुम मिन इबादी शकूर, अल्लाह फरमाते हैं ए दाऊद तुम मेरे शुक्रगुजार बनो। आगे अल्लाह ने वजह बयान की, कलीलुम मिन इबादी शकूर, मेरे शुक्रगुजार बंदे थोड़े होते हैं। क्या मतलब? मैं जो बार बार कहता हूं, जो चीज मार्केट में शार्ट हो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ये कुरान से साबित है। अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं कि दौलतमंद मार्केट में शार्ट नहीं है, ए दाऊद खूबसूरत लोग मार्केट में शार्ट नहीं है, ए दाऊद ताकतवर लोग भी मार्केट में कम नहीं है, बड़े बड़े पहलवान पड़े हुए हैं, बहादुर भी बड़े बड़े पहलवान हैं। अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करके उन नेमतों के शुक्रगुजार बने, ऐसे लोग मार्केट में शार्ट हैं। और ए दाऊद तू नेक अमल कर, शुक्रगुजार बन, क्योंकि लोग मार्केट से शार्ट हैं। अब दोनों जुमले में मुनासिबत क्या हुई? नहीं यारी बात भाई, अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं ए दाऊद तू शुक्रगुजार बंदा बन जा, शुक्रगुजार लोग मार्केट में कम है, तो ये क्या कोई क्या मुनासिबत हुई आपस में भाई? ये कोई दलील हुई शुक्रगुजार बनने की? अगर अल्लाह कहते ए दाऊद तू शुक्रगुजार बन जा मैं तुझे जन्नत दूंगा, कहते यार बड़ी जबरदस्त लॉजिक है भाई, जन्नत मिलेगी इसलिए शुक्रगुजार बन जा, ए दाऊद तू शुक्रगुजार बन जा मैं तुझे जहन्नम से बचा लूंगा क्या ख्याल है? लेकिन अल्लाह ने ना यहां ये कहा कि जन्नत दूंगा, ना अल्लाह ने यहां ये कहा कि मैं तुझे जहन्नम से बचा लूंगा। अल्लाह कह रहे हैं ए दाऊद तू शुक्रगुजार बंदे बंदा बन जा, शुक्रगुजार लोग मार्केट से शार्ट है। असल में यहां अल्लाह इकोनॉमिक्स का एक उसूल बयान कर रहे हैं कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, सप्लाई कम होने से तो डिमांड वैसे ही बढ़ जाती है ना। चीनी जब शार्ट हुई थी तो जिसके पास चीनी हो लोग उससे दम करा रहे थे जाके, यार तू बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग है यार, तेरे पास चीनी है, इतना नेक आदमी है तू चीनी रख के बैठा हुआ। एक जमाना याद आया हमें, एक जमाना ऐसे भी गुजरा कराची में, मुंह मांगी कीमतों पर चीनी ले रहे थे, शार्ट हो गई तो डिमांड भी बढ़ती, हर आदमी चीनी चीनी की तलाश में, शुगर के मरीज भी चीनी की तलब में निकले हुए। तो यहां अल्लाह एक इकोनॉमिक्स का उसूल बता रहे हैं, यानी एक मुसलमा उसूल है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुम्हें भी पता है कि जो चीज मार्केट में शार्ट हो उसकी डिमांड बढ़ती है, तो मैं हर तरह के, अल्लाह गोया दाऊद अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि ए दाऊद मुझे अपनी मखलूक में हर तरह के लोग नजर आ रहे हैं, ताकतवर भी हैं, खूबसूरत भी हैं, दौलतमंद भी हैं, और हर तरह के लोग हैं, मेरी नेमतें खा के मेरे शुक्रगुजार बने ऐसे नजर नहीं आ रहे, लिहाजा इनकी तलब बढ़ गई है, और जिस चीज की रसद कम हो, सप्लाई कम हो, तलब बढ़ जाए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो गोया अल्लाह ये कह रहे हैं कि ए दाऊद शुक्र करेगा तो जितना बदला तेरा बनता है उतना नहीं दूंगा, मार्केट वैल्यू से ज्यादा कीमत लगाऊंगा। कैसे समझाएं यार, चीनी जब शार्ट हो गई थी तो महंगे दामों बिक रही थी ना, मार्केट वैल्यू में थोड़ी बिक रही थी, तो अल्लाह कहते हैं शुक्र का जो जितना सवाब मैं देता हूं ना, जब शुक्रगुजार लोग मार्केट से शार्ट हो जाएंगे तो फिर जो शुक्र करेगा उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, उसका बदला भी बढ़ जाए। आज भी ऐसा है, हर तरह के लोग मिलेंगे अल्लाह का शुक्र करने वाले नहीं मिलते, थोड़ी सी कुर्बान। और शुक्र में क्या है, थैंक यू शुक्र नहीं है, थैंक यू में कितना टाइम लगे, ये भी एक दर्जा है शुक्र का कि किसी ने कोई खिदमत की आपने थैंक यू बोल दिया, लेकिन इस पर तो कुछ कुर्बानी नहीं है ना, ये भी ठीक है, ऐसा ना हो कि यही कहना छोड़ दें मेरे बयान सुनने के बाद, फिर क्लिप आ जाए मेरे खिलाफ, इसने बोला है इन्होंने बोला था, तो क्लिप तो आजकल ऐसे निकलते हैं, थैंक यू बोले मगर ये कोई असल शुक्र ये नहीं है। बाप ने आपकी खिदमत की बचपन में, पाला पोसा, आपको खिला पिला के जवान कर दिया, अब बाप को भी जरूरत है, वो बूढ़ा हो गया, कह रहे भाई पैसे दो मुझे, बेटा मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, मुझे अस्पताल में दवा के लिए पैसे चाहिए, अपनी खून पसीने की कमाई से कुछ मुझे भी खिला दिया करो। आप कह रहे हैं अब्बू आपने जो मेरी इतनी खिदमत की, खिलाया पिलाया जवान किया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू, शुक्रिया, नवाजिश,
अब बात रख के चमाट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, हम भी अल्लाह के साथ क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। इतनी नेमतें अल्लाह ने दी, सेहत दे दी, अल्लाह ताला ने आल औलाद दे दी, नेमतों के समंदर में डूबे, हम में से हर शख्स डूबा हुआ है, लेकिन हम क्या कहते हैं, अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र, तो ये थैंक यू नहीं कह, ये भी गनीमत है, इतना कह दो। असल शुक्र तो इससे ऊपर की चीज है कि अल्लाह कह रहा है कि जब मैंने दी है तो मेरी खातिर मेरी नाफरमानी छोड़ दो, जिस चीज से रोक दूं रुक जाओ, जिसके करने का ऑर्डर दूं तो वो काम, बोलो ना यार कर लो। अब अल्लाह ने आंखों की नेमत दी, देखो एक आदमी के पास कैमरा नहीं है, दूरबीन नहीं है देखने के लिए, या कैमरा नहीं है, और आप उस आदमी को बहुत शौक है यार मुझे कहीं से कैमरा मिल जाए, कहीं से कैमरा मिल जाए, क्या करूं यार कहीं से कैमरा चाहिए मुझे कैमरा, बड़ा जैसे बाज लड़कों को शौक होता है यार कैमरा मिल जाए कहीं से, वो गरीब लड़का है कैमरा खरीद नहीं सकता, किसी ने एहसान करके 2.5-3 लाख वाला महंगा कैमरा उसको, HD कैमरा उसको पकड़ा दिया, और वो थैंक यू ग्रेट लगा रहा है। जिसने कैमरा दिया उसने कहा कि सिर्फ एक काम करना, पूरी दुनिया के नजारों की वीडियो बनाओ, मेरी बहनों और मेरी बीवी की इज्जत तार तार खुदा के लिए, बोलो ना यार ना, मेरे घर पता चला कि मेरे घर में लगा के बैठा हुआ है और मेरी पूरी वीडियो बना के मुझे ही जलील कर दिया, क्या ख्याल है। और इसी तरह मेरे ये रिलेटिव हैं, ये जानने वाले हैं, इनकी बहू बेटियां हैं, सब इज्जतदार घराने की, ऐसा ना हो कि कहीं ये बेपर्दा नजर आए, कहीं डेट मारती भी नजर आ जाए, पता चला ठीक है ना, इज्जतदार भी है डेट भी मार रही है, तो ये कहीं पता चला ईदी की वीडियो बना के तुमने अपलोड कर दी। अब आप थैंक यू सुबह 100 दफा थैंक यू, तस्बीह लेके उसके पास पहुंच जाते, भाई थैंक यू आपने आपने मुझे कैमरे दिए, 100 दफा सुबह थैंक यू, 100 दफा शाम, हर नमाज के बाद 33 दफा थैंक यू, ठीक है ना, ये मुसलसल पड़े जा रहे हैं। लेकिन जहां कहीं उसकी बहू बेटी नजर आई आपने कैमरे में सेव करके नेट पे डाल दी उसकी तस्वीर, उसकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, उसको कितना गुस्सा आएगा यार, जिस काम से मैंने स्पेशली रोका था तुम वही कर रहे हो, मुझे तुम्हारा ये थैंक यू नहीं चाहिए। अब मुझे बताओ, डिजिटल कैमरा जो 2.5-3 लाख का है, हमें जो अल्लाह ने ये कैमरा दिया है, आंखें दी हैं, क्या ये इसकी कोई कीमत है? अगर आपसे कोई कहे मैं तुम्हें 2.5 करोड़ रुपए दूंगा ये आंखें मुझे निकाल के दे दो, आप दे दोगे? बोलो ना यार दे दोगे। अल्लाह ने कहा मैंने ये तुम्हें कैमरा दे दिया फ्री में, कोई पैसे नहीं लिए, अब एक काम करना तुम इससे खूबसूरत नज़ारे देखो, अपनी माँ को देखो, अपनी बेटियों को देखो, अपनी बहनों को देखो, अपनी बीवी को 24 घंटे बैठ के देखो, जिसके देखने का तुम्हारे पास टाइम नहीं, बीवी को देखो और रिश्तेदारों को देखो, उनसे मिलो, दुनिया में देखो क्या हो रहा है। लेकिन कोई जवान लड़की जा रही हो तो उस पर हवस की निगाह, बोलो ना यार नहीं डालो, उस पर गंदी नजरें मत डालो, इत्तिफाकी नजर तो माफ है, ये भी अल्लाह ने छूट दे दी, गंदी हवस की नजरें उसके ऊपर मत डालो। आप क्या कर रहे हैं, जहां कोई औरत जाती हुई नजर आती है, जहां फेसबुक पे फौरन कोई एडवर्टाइज आ गया, फौरन कोई लड़की आ गई, कोई नीम बरहना, फौरन क्लिक करके उसको देखना शुरू कर दिया, तो ये शुक्रगुजारी है या ना शुक्री? याद रखो, किसी भी शख्स को जिसने आपको गिफ्ट दिया हो उसको अपनी नाफरमानी पर इतना गुस्सा नहीं आता जितना अल्लाह को अपनी नाशुक्री पर गुस्सा आता है। हदीस में आता है कि अल्लाह की गैरत को बहुत जोश आता है जब कोई बंदा अल्लाह के हराम करदा कामों में से किसी काम का इर्तिकाब करते हैं, अल्लाह को बहुत गुस्सा आता है। सवाल पैदा होता है अल्लाह को गुस्सा इतना क्यों आता है, अल्लाह तो गफूर रहीम है, क्या ख्याल है, अल्लाह तो रऊफ रहीम है, जो जितना नरम दिल हो उसको उतना ही कम गुस्सा आएगा ना, तो अल्लाह को इतना ज्यादा गजब क्यों आ रहा है? क्या हुआ, देख लिया ना किसी, कोई माज अल्लाह कोई फोहश फिल्म देख ली, कोई नंगी फिल्म देख ली, किसी की बहू बेटी को देख लिया बुरी नीयत से, तो क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है अल्लाह को? भाई किसी आम आदमी की बीवी को देख लोगे गुस्सा आएगा, मगर एकदम तो नहीं आग बगुला हो जाएगा ना, वो जान से मार दूं आग में फेंक दूं ये कर दूं, ऐसा तो नहीं करेगा। अल्लाह उठा के कहां फेंकते हैं, आग में। इसलिए अल्लाह को बहुत गुस्सा आता है कि अल्लाह में गैरत भी सबसे ज्यादा है। जब किसी का आपसे ताल्लुक हो
بہت زیادہ غیرت ہو، جو جتنی زیادہ غیرت ہوگی اس کا غصہ بھی اسی حساب سے زیادہ ہوگا. دیکھو میاں بیوی کے تعلق کی ایک مثال دیتا ہوں. شوہر کو بیوی سے بڑی محبت ہے، اس پہ خرچ کر رہا ہے اور بڑا کھلا پلا رہا ہے، چھوٹی موٹی خطائیں نظر انداز بھی کر رہا ہے، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس پہ اس کی میٹر گھوم جائے گا. اب اس کے کہیں خدا نخواستہ تعلق ہو گئے غلط، جتنا غیرت مند ہوگا اس کو غصہ بھی اتنا ہی زیادہ آئے گا. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نرم دل تو اتنا غصہ کیوں ہو رہا ہے، بھائی جتنا نرم دل ہے اتنا ہی غیرت والا بھی ہے، اتنا ہی زیادہ غیرت والا بھی ہے. تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ میں نے پیدا کیا، میں نے پانی کے غلیظ قطرے سے بنایا، میں نے کھلایا، میں نے پلایا، آج تمہاری آنکھیں چھین لوں. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اے نبی ان سے پوچھ کے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری آنکھیں، تمہاری بینائی چھین لے، تمہارے کانوں سے سننے کی سماعت ختم کر دے، تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تم سے چھین لے، کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو یہ چیزیں تمہیں دوبارہ لوٹا دے؟ دی بھی اس نے اور باقی بھی اسی نے رکھی ہوئی ہیں، اور اس نے حلال چیزوں کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا، اتنا وسیع کر دیا کہ یہ بھی حلال، یہ بھی حلال، یہ بھی حلال، چند چیزوں پر پابندی لگا دی. آپ ان چند ہی کی طرف منہ مارتے ہو تو پھر اللہ کو بہت زیادہ غضب آتا ہے، اور یہ غضب آنا اللہ کی غیرت کا تقاضا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر اتنا زیادہ غصہ آئے، بہت زیادہ، تو ہم تو انتقام لیتے ہیں، پھر اللہ انتقام کیوں نہیں لے رہا بھائی، ڈھیل کیوں دے رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ایک اور صفت ہے حلم، برداشت. اللہ کی ہر صفت زیادہ ہے، رحمت بھی بہت زیادہ، غیرت بھی بہت زیادہ، اور برداشت بھی. اللہ کو جتنا غضب آتا ہے، اگر اس کا ہزارواں حصہ بھی ہمیں کسی پر اتنا غضب آ جائے، ہم اس کا قیمہ بنا کے کھا جائیں، قیمہ بنا کے کھا جائیں. لیکن اللہ کا غضب بہت زیادہ، مگر اللہ کا حلم، بردباری، برداشت اس سے بھی زیادہ. اللہ کہتے ہیں برداشت کرو، برداشت کرو، حلیم، برداشت. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اے نبی یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو نہ غصہ آ رہا ہے، نہ اللہ کو اس سے ناراض ہو رہا ہے اللہ، اور یہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. نہ نہ نہ، فرمائے انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک دن ہے انتقام کا، اس تک میں ان کو مہلت دوں گا. ایک میں نے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کا ایک دن رکھا ہے، اس دن سے پہلے میں رزلٹ اناؤنس نہیں کروں گا. ہم بعض دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ سزا کسی کو دینی ہو کہ میں فلاں وقت میں دوں گا، غصے میں آگے پہلے ہی اس سے لڑ پڑتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، کہ ہمیں برداشت نہیں ہے. اللہ کیا کرتے ہیں؟ مہلت. اور اس لیے بھی کہ اللہ کا غصہ بھی ہے مگر ساتھ ساتھ رحمت بھی، تو اللہ اس غصے کے باوجود مہلت اس لیے بھی دیتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لے. کیونکہ جیسے اللہ کو گناہ کرنے والے پر بے انتہا غصہ آتا ہے کیونکہ اس میں غیرت بہت ہے، ایسے ہی توبہ ایک نیکی ہے، اور اس نیکی پر اللہ کو، توبہ کرنے والے پر پیار بھی بہت زیادہ آتا ہے، کیونکہ اللہ محبت کرنے میں بھی مخلوق سے بہت زیادہ اعلیٰ اور برتر ہے. نہیں آنی میرا، اب تو آنی چاہیے. تو اس لیے بھائی گناہ کو ہلکا مت سمجھو اور توبہ کو بھی ہلکا مت سمجھو. جیسے گناہ پر اللہ کا غضب ہے، ایسے ہی گناہ چھوڑ کے جب گڑ گڑاؤ گے اللہ کے سامنے، تو پھر اللہ کو پیار بھی اتنا زیادہ.